मित्रों, बृहस्पतिवार का व्रत रखने से बहुत सारे फायदे होते हैं। वैसे तो आप किसी भी वार में कोई व्रत रखते हैं तो आपके पाचन तंत्र की समस्याएं खत्म होती हैं। माइंड, बॉडी और आपका सोल कहीं ना कहीं हर तरीके से प्रभावित हो जाता है। बृहस्पतिवार का व्रत, जो कि पाचन तंत्र के कारक भी कहे गए हैं देवगुरु बृहस्पति, तो भाई सबसे पहला फायदा क्या होता है देवगुरु बृहस्पति का व्रत करने से, वो समझते हैं। आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए, नव ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को सभी ग्रहों का गुरु मानते हैं और ये ज्ञान और सौभाग्य का कारक भी कहा गया है। सभी मांगलिक कार्यों में बृहस्पति की विशेष शुभता बताई गई है, यानी कि जो आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, शुभता के कार्यक्रम होते हैं, उनके कारक हैं, उनके लॉर्ड हैं देवगुरु बृहस्पति। इसी के साथ ही हमारी जो बिटिया होती हैं उनके विवाह के अंदर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी माना गया है। उनके आशीर्वाद के बिना सारे कार्यों में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो भाई सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए तो देवगुरु बृहस्पति का व्रत आपको जरूर करना है। व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए नौकरी करता है, व्यापार करता है, तरह तरह के प्रयास करता रहता है, कयास लगाए रखता है। तो मित्रों, आपकी आय में वृद्धि आप चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए, तो उसके लिए क्या करना है? देखिए, देवगुरु बृहस्पति को वित्त का, फाइनेंस का, कानून का, शिक्षा और सलाहकारिता का, जो आप एडवाइस करते हैं ना लोगों को, उसी से यह संबंध रखता है। कुंडली में बृहस्पति बलवान होने से कम उम्र में आसानी से नौकरी मिल जाती है। आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि भाई हमारी तो इतनी उम्र हो गई, हमें नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई, और जो है किसी व्यक्ति का बालक या बालिका जो है कम उम्र में ही नौकरी लग गई उसकी। तो ये देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा है। बृहस्पति को आपकी आय और आपके व्यय को संतुलित करने का कारक भी कहा गया है। जो आप नौकरी से इनकम आपकी जो होती है, उस पैसे को कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे आप उसका खर्चा करेंगे, ये सब देवगुरु बृहस्पति आपको समझा देते हैं। हालांकि नौकरी का जो कारक है वो शनि है और गुरु उसमें सामंजस्य स्थापित करवा देता है। नौकरी में स्थिरता चाहिए, देवगुरु बृहस्पति का व्रत करिए। उन्नति चाहिए, देवगुरु बृहस्पति का व्रत करिए। तो भाई ये छोटे छोटे उपाय करने से देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको मिल जाती है। आप चाहते हैं आपकी बुद्धि सही कार्य की ओर रहे, आपका विवेक जागृत रहे, आपको हर कार्य में सफलता मिले, तो देवगुरु को ज्ञान और बुद्धि का कारक भी मानते हैं। हर कार्य में सफलता के लिए देवगुरु बृहस्पति की उपासना और व्रत आपको करना होगा, लाभ की प्राप्ति होगी। और गुरुवार का व्रत रखने से तीव्र बुद्धि के साथ ही आपके रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। तो मित्रों, अब हम आपके साथ वो महा उपाय साझा करते हैं जिससे देवगुरु बृहस्पति आप पर अपनी असीम कृपा बहुत जल्द कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय बहुत सरल है, सटीक है। हल्दी मिलाकर देवगुरु बृहस्पति को जल अर्पित करिए, देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता मिलेगी। ओम ग्रां ग्रिंग ग्रौं सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का हल्दी की माला से, पीले हकीक की माला से 108 बार जाप करिए। एक पीला रुमाल अपने साथ रखिए और किसी योग्य विद्वान की सलाह से एक पीला पुखराज भी आप धारण कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए आपको। काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और विशेष तौर पर घर में तेज और तीखी सुगंध का प्रयोग व्रत विधान में बिल्कुल ना करें।